Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. Hello friends, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी आखिर क्यों 14 फरवरी को ही मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, किसी और दिन क्यों नहीं। तो आइए सुनते हैं आखिर क्यों बनाया जाता है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के दिन ही। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसे लोग प्यार का त्यौहार मानकर सेलिब्रेट करते हैं। भारत में कपल्स अपने पार्टनर को तोहफे, चॉकलेट आदि देकर प्यार का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और इसका ये नाम कैसे पड़ा? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वैलेंटाइन डे के इतिहास से जुड़ी हर वो बात जो आपको शायद ही पता होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वर्जिन नाम की पुस्तक में वैलेंटाइन का जिक्र है। यह डे एक रोम के पादरी संत वैलेंटाइन के नाम पर बनाया जाता है। बताया जाता है कि संत वैलेंटाइन दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे, लेकिन रोम में एक राजा को उनकी ये बात पसंद नहीं थी और वो प्रेम विवाह के यानी लव मैरिज के खिलाफ थे। वो लव मैरिज को गलत मानते थे। सम्राट क्लाउडियस को लगता था कि रोम के लोग अपनी पत्नी और परिवारों के साथ मजबूत लगाव होने की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए क्लाउडियस ने रोम में शादी और सगाई पर पाबंदी लगा दी। पादरी वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेश को लोगों के साथ नाइंसाफी के तौर पर महसूस किया। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कई अधिकारियों और सैनिकों की शादियां भी कराई। इसके बाद उन्हें 14 फरवरी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस दिन से हर साल इसी दिन को प्यार के दिन के तौर पर मनाया जाता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आता है कि संत वैलेंटाइन ने जेल में रहते हुए जेलर की बेटी को खत लिखा था, जिसने अंत में उन्होंने लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। पूरी दुनिया में यह पर्व मनाया जाता है और इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हालांकि कई देशों में इसे संस्कृति के खिलाफ मानकर इसके सेलिब्रेशन पर रोक भी लगा दी गई है। वैलेंटाइन डे मनाते कैसे हैं? इस त्योहार को आप घर में बने कार्ड्स, मिठाई, गुलाब, रोमांटिक डेट, दोस्तों के साथ समय बिताकर मना सकते हैं। इसके अलावा भी इसे मनाने के कई तरीके हैं। आप रोमांटिक डिनर या लंच पर भी जा सकते हैं या फिर किसी रोमांटिक स्थान पर समय बिता सकते हैं। वैलेंटाइन डे लड़का या लड़की किसी एक के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए होता है। इसे दोनों ही मना सकते हैं। यह त्यौहार केवल जोड़ों के लिए नहीं प्यार के लिए मनाया जाता है। वो प्यार आपका किसी के लिए भी हो सकता है। वैलेंटाइन डे पर आप अपने चाहने वालों को कई तरह के संदेश भेज सकते हैं, ऐसे संदेश जिसमें प्रेम भावना का इजहार हो या जो इस दिन की महत्ता को अच्छे से बताता हो। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।